हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट का पार्ट टू, राइट। पार्ट टू में हमें क्या सीखना है? पार्ट टू में हमें सीखना है बच्चों राउंडिंग ऑफ, ठीक है। क्या सीखेंगे? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? अब सवाल आता है राउंडिंग ऑफ क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों 2.78 लिखा है, 2.35 लिखा है, ठीक है, 2.55 लिखा है। तो अगर मुझे इस नंबर को सिर्फ टू डिजिट तक, अगर मुझे इस नंबर को सिर्फ टू डिजिट तक लिखना है, मान लो मुझे टू डिजिट तक ही इसको, टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो मैं क्या लिखूँ? ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्या लिखूँ टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक? 2.7 लिखूँ या 2.8 लिखूं, इसमें 2.3 लिखूं या 2.4 लिखूं, 2.5 लिखूं, 2.6 लिखूं या 2.4 लिखूं, क्या लिखूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे यही सीखना है आज, ठीक है। मुझे तो आता है, खैर आपको सिखाना है, ठीक है बच्चों। तो चलो सीखते हैं राउंडिंग ऑफ। एनर्जेटिक बने रहो, सीखते जाओ, ठीक है, नॉलेज लेते हुए चलो बच्चों। कई बार बच्चे सोचते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल खुले या ना खुले हमें उससे क्या करना, खुल जाएगा जल्दी स्कूल। आप नॉलेज लेते हुए चलो बच्चों, ठीक है ना, यूटिलाइज़ करो अपने फुल टाइम का, बिल्कुल यूटिलाइज़ करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ और उनके कॉन्सेप्ट्स। चलिए बच्चों, अब राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के अपन रूल सीखते हैं, ठीक है ना, रूल्स सीखते हैं बच्चों। रूल्स, थ्री रूल्स हैं, थ्री रूल्स आपको सीखने हैं बच्चों। थ्री रूल अगर आप सीख गए तो सब बन जाएगा, राइट। फर्स्ट रूल देखो, सबसे पहले मैं आपको रूल सिखाता हूँ। रूल्स, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है? देखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, then previous number is increased by 1, ठीक है, increased by 1। कैसे? example देता हूँ मैं, देखो example, जैसे आपसे बोला राउंडिंग ऑफ नंबर 1.237 अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो बच्चों 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी ये 3 डिजिट्स होने चाहिए, ये फोर्थ जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। समझ आई बच्चों बात? समझ आई कि नहीं? ये जो 7 है बच्चों, इसे हमें हटाना है, हमें राउंड ऑफ करना है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो अपन क्या करें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए? अब ये बताओ बच्चों, आपको जो डिजिट लास्ट वाला है ये क्या है? 3 है, ठीक है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 3 तक, राइट। तो इसके बाद वाला जो नंबर है जहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो 7 है। आपको क्या देखना है? जहाँ तक राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, इसके बाद वाला नंबर क्या है? अगर ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इस नंबर को अपन जो होता है जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसको 1 से बढ़ा दिया जाता है, यानी इसका आंसर आएगा 1.24। गॉट इट और नॉट? जैसे देखो, और एग्जांपल देखते हैं, डरो नहीं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हमें राउंड ऑफ करना है 0.05328 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कहाँ तक? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, यानी कि हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे? नहीं बच्चों, मैं आपको बताऊँ, देखो आपको मैंने बताया था सिग्निफिकेंट डिजिट देखने का रूल, मैंने आपसे कहा था कि ज़ीरो जो होते हैं लीडिंग ज़ीरोस वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूरे नंबर में कितने हैं? 4 हैं बच्चों, 4।
अब इस फोर में से हमें कहाँ तक लिखना है, थ्री तक लिखना है, थ्री तक, तो थ्री तक मतलब वन टू थ्री यहाँ तक आने चाहिए, सिर्फ ये थ्री आने चाहिए, ये तीन, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये जो लास्ट नंबर है जहाँ तक हमें सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, इसके बाद वाला नंबर क्या है, एट है ना, एट मतलब ये फाइव से बड़ा है, फाइव से बड़ा है मतलब इसके पहले वाला नंबर वन से बढ़ जाएगा, यानी आंसर आएगा 0.0533। समझ आया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 1.0234 1.0234487, ठीक है ना। इसको करना है बच्चों अप टू फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट, फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक, मतलब यहाँ तक लिखना है हमें, इसके बाद वाले हमें ये ड्रॉप करने हैं, ठीक है ना, ये ड्रॉप करने हैं। तो बच्चों राउंडिंग ऑफ हमें यहाँ तक करना है, तो इसके बाद वाला जो नंबर है, देखिए इसके जहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वाला नंबर पर ध्यान दिया करिए, अगर ये फाइव से ज़्यादा होता है तो ये जो नंबर है फोर, इसको एक से बढ़ा दीजिए, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1.0234 की जगह क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। रूल नंबर वन समझ आया सभी को, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, अगर नंबर जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर क्या है, फाइव से बड़ा है, जिसको ड्रॉप करना है, जिसको छोड़ना है, वो नंबर फाइव से अगर बड़ा है तो उसके प्रीवियस नंबर को क्या लिख देते हैं, वन से बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं रूल नंबर टू पर आते हैं, ठीक है, रूल नंबर टू पे। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर टू की, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या कहता है, देखिए बच्चों रूल नंबर टू कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन फाइव, पिछली बार क्या था, मोर देन फाइव है अगर ड्रॉपिंग डिजिट, तो अपन एक को बढ़ा देते थे। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप, जिस नंबर को अगर अपन छोड़ रहे हैं वो फाइव से कम है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन फाइव, ठीक है, लेस देन फाइव, देन तो क्या होगा, देन प्रीवियस नंबर, देन प्रीवियस नंबर विल रिमेन सेम। तो प्रीवियस नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला फर्स्ट कि राउंड ऑफ करिए 6.2382 को अप टू फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। तो बच्चों 1 2 3 4 फोर सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है राउंड ऑफ। इसके बाद वाला ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये फाइव से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो यही बताया, अगर फाइव से छोटा है तो प्रीवियस नंबर को एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6.238, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपके लिए, राउंड ऑफ 5.732 टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। राउंड ऑफ 5.732 अप टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। अब देखिए इसमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में कहाँ तक बोला है, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 1 2 3 यहाँ तक करना है। इसके बाद वाला जो नंबर है वो फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा है मतलब इसके जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसके पहले वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 5.73, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी थर्ड पार्ट, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है राउंड ऑफ 1 2 यहाँ तक। अब ये जो नंबर है बच्चों जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं वो थ्री है, वो फाइव से छोटा है, और फाइव से अगर छोटा होता है ये जो नंबर बच्चों, ये नंबर जो है बच्चों जिसे हमें ड्रॉप करना है, ये फाइव से छोटा है, अगर ये फाइव से छोटा है तो इसका जो प्रीवियस नंबर है दिस नंबर, इसको एज इट इज़ रहने देते, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 5.7। आई होप समझ आ गया होगा रूल टू सभी को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रूल थ्री की, ठीक है। चलिए अब रूल थ्री पे आते हैं बच्चों, रूल थ्री क्या कहता है, रूल थ्री कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं इज 5, अगर 5 से ज़्यादा हो तो क्या बताया, एक से बढ़ जाता है डिजिट, 5 से कम हो तो एज इट इज़ रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 के बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए, देन नंबर 1, नंबर 2, दो केसेस है। उसके पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन बोला राउंड ऑफ का, देखो राउंड ऑफ का क्वेश्चन बोला, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला गया राउंड ऑफ, पहले आपका दिमाग चेक कर रहा हूँ मैं क्या करोगे आप, राउंड ऑफ 1.05335 अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। नंबर 2 सेकेंड पार्ट, राउंड ऑफ 1.05 3421 अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। अब बच्चों देखिए, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमको करना है राउंड ऑफ, ये 421 है, यहाँ पे 5 आएगा, ओके बच्चों। चलिए अब देखिए, फर्स्ट की बात करें, कहाँ तक करना है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ तक होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, ये रहे 5, यहाँ से यहाँ तक, राइट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ तक है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखिए, अब आप ये क्या है, 5 है, ठीक है, और 5 है तभी तो दिक्कत है, 5 के लिए तो मैं केस बता रहा हूँ बच्चों आपको कि 5 हो तो क्या, अगर ये 5 से ज़्यादा, अगर ये 6 हो जाता तो अपन 3 की जगह एक बढ़ा देते, 4 लिख देते इसको, और मान लो अगर ये होता 4 लास्ट डिजिट तो अपन को एज इट इज़ 3 रखते। अब दिक्कत कहाँ गई बच्चों कि ये 5 है जिसको ड्रॉप करना है, और 5 का ही केस पढ़ रहे हैं अपन 5 का ही केस पढ़ रहे हैं, तो अगर 5 हो गया ना एक से तो क्या करें, 3 को क्या लिख दें राउंड ऑफ करके, क्या ये लिख दें 1.05334, क्या है ये, सही है गलत है, क्या कहते हो बच्चों, गलत है या सही है, सोचो, तब तक अगला वाला देखो, अप टू 5, 1 2 3 4 5, फिर से 5 आ गया यार, 5 जाता है तो दिमाग घूमता है, रूल पढ़ा होगा बचपन में, बट हो सकता है भूल गए हो अब तक, नहीं भूले बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो मैं बता देता हूँ फिर से, क्या होता है बच्चों, जिस डिजिट को अगर आपको ड्रॉप करना है वो 5 के बराबर अगर होता है तो उसके पहले वाले नंबर को देखिए, ठीक है ना, उसके पहले वाले नंबर को देखिए वो ऑड है या इवन है। देखिए ऊपर वाले में जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, ये देखिए ये ऑड नंबर है 3, और ये क्या है, ये इवन है, लास्ट जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, जब 5 हो तभी ये केस याद रखना है, अगर हमें डिजिट ड्रॉप करना है 5 तो उसके पहले वाला नंबर देखा जाता है, अगर पहले वाला नंबर ऑड है तो ये 1 से बढ़ जाता है, ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा, इवन है तो एज इट इज़ रहेगा, इवन है तो एज इट इज़ रहेगा, राइट। यानी हमें क्या समझ आया, देखो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो देखिए
अब देखिए, अब अपन रूल पढ़ते हैं। क्या रूल ये है बच्चों, फाइव आने पे जिस डिजिट को अगर छोड़ना है, अगर वो फाइव है, ठीक है ना, फाइव है, तो उसके पहले वाले डिजिट को देखा जाता है, ठीक है, इसके पहले वाले को। अगर ये ऑड है तो ये नंबर वन से बढ़ जाएगा, मतलब थ्री की जगह फोर आ जाएगा, और अगर ये इवन है तो एज इट इज़ रहेगा। यानी कि बच्चों आंसर जो आएगा, ये आंसर हम लिख पाएंगे फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब यहाँ तक लिखना है, तो 1.0534। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 1.053। देखिए अब ये जो नंबर लास्ट लिखना है वो फाइव के पहले क्या है, इवन है, इवन में चेंज नहीं आता, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल है पहला वन, इफ़ प्रीवियस नंबर इज ऑड देन इट इज इंक्रीज्ड, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय वन। ओके, वन से बढ़ा देंगे। इफ प्रीवियस नंबर इज इवन देन इट इज डिक्रीज्ड देन इट इज एज इट इज। ओके, तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आई ये बात, ठीक। चलिए अब अपन क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों देखो, अब अपन पढ़ेंगे रूल्स फॉर एलजेब्रा, रूल्स फॉर एलजेब्रा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर एलजेब्रा, रूल्स फॉर एलजेब्रा, एलजेब्रा इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। अब देखिए, सबसे पहले अपन रूल्स पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, दोनों के लिए सेम रूल रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम रूल रहेंगे, ठीक है। क्या रूल रहेगा वो मैं लिख रहा हूँ, देखो, फाइनल रिजल्ट और सॉल्यूशन शुड हैव एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इक्वल टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्रॉब्लम। क्या बोल दिया ये, समझिए ज़रा, ये बोला गया है बच्चों कि जैसे जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से इजीली समझ आ जाता है। देखिए जैसे मैंने टू नंबर लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, 2.02 × 26, राइट, इन दो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या बोला गया है पूरे स्टेटमेंट में, ये बोला गया है बच्चों कि जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर लीजिए। इसमें कितने नंबर हैं, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इधर टू सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ रहा है 52.52, राइट। अब देखो इसमें कितने, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने, टू सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ये कह रहा है कि रिज़ल्ट में जो है वो उतने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जितने कम से कम हो ओरिजिनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करते टाइम। तो देखिए इधर थ्री है, इधर टू है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दो नंबर में टू हैं, तो रिज़ल्ट में जो होना चाहिए वो टू तक होना चाहिए, मतलब 52
तक हम यहाँ तक राउंड ऑफ कर दें 52, दो सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, राइट। क्योंकि जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है, 5 है, और 5 को जब ड्रॉप करते हैं तो अगर जिस नंबर तक हमें करना है इसको राउंड ऑफ, वो क्या है बच्चों, इवन है, 5 के पहले अगर इवन है तो वो एज इट इज़ रहता है, राइट। जैसे मैंने लिखा 2.8723 इनटू 1.6, राइट, इसका रिजल्ट आया 4.59568, ओके। तो बच्चों इधर टू सिग्निफिकेंट डिजिट और इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5 हैं, ओके, इधर 2 हैं, तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, ओनली 2, यानी 4.5 तक करना है हमें। तो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसको देखिए बच्चों, ये क्या है, ये 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 9, ये 5 से बड़ा है बच्चों, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4.6, ओके, 4.6, रिजल्ट समझ आया। चलिए और देखिए, और देखिए, डरो नहीं, और देखते जाओ बच्चों। देखिए अब जैसे दिया है आपको 5.135 इनटू 2.46, इनको मल्टीप्लाई किया और मान लिया रिजल्ट कितना आ गया, 12.6321, ओके। तो हमें राउंड ऑफ करना है, इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 तक होना चाहिए, 3 तक, सिर्फ 6 तक, सिर्फ 6 तक होना चाहिए, कहाँ तक, 6 तक। तो 6 तक होने के लिए बच्चों हमें इसको हटाना है, तो ये तो 5 से कम है, और 5 से अगर कम है बच्चों, 5 से अगर कम है तो इसके पहले वाला डिजिट एज इट इज़ रहता है, यानी आ जाएगा 12.6, राइट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर कितने, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर भी कितने, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके। ठीक इसी तरीके से अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे 5.02 इंटू 89.665 इंटू 0.100, ठीक है, इसका आंसर आया मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए 45.0118, राइट। तो बच्चों ओरिजिनल नंबर देखिए, इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर अगर डेसिमल लगाए तो उसके बाद के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इधर 3 सिग्निफिकेंट, इधर 5, इधर 3, तो रिजल्ट जो होना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, यानी हम जो नंबर ड्रॉप करेंगे वो 1 गायब होगा, इसके बाद के पूरे नंबर गायब होंगे, तो ये जो 1 गायब कर रहे हैं बच्चों ये 5 से तो छोटा है, और 5 से छोटा है तो इसके बाद वाला एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 45.0, राइट। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके बच्चों, समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल क्लियर है सभी को, बताओ किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो, इसमें 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 बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे बच्चों, स्टेप ही हटा देंगे अपन, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं बच्चों, अभी ये हुआ कौन सा रूल, अभी अपन ने पढ़ा बच्चों, ये हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब अपन पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाइए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं अब, ठीक है, रूल 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल लगता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रूल लगता है। अब ये रूल क्या कहता है, देखिए ये रूल क्या कहता है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट शुड हैव, फाइनल रिजल्ट शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एज इन ओरिजिनल नंबर विच आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, देखिए बच्चों
क्या कहना चाह रहे हैं अपन? देखिए, ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, फाइनल रिजल्ट शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ध्यान दे रहे हैं इस बात को, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लिखा हुआ है मान लो 1.457 ओके प्लस 83.2 ठीक, ऐड करना है मुझे। तो इधर बच्चों देखो, इसमें हमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करने, ठीक है, हमें देखने हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं। देखिए इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, 3, और सेकंड वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं, 1 ओनली। तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट जो होना बच्चों, मिनिमम वहाँ तक रिजल्ट लिखना है। जितने भी नंबर दियो, मान लो 4 नंबर को ऐड कर रहे हो, तो उन चारों नंबर में ये देखिए कि डिजिट डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में, और डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट होते हैं वहाँ तक आपको रिजल्ट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, मैंने इन दो नंबर को ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 84.652, ठीक है, यह आ गया रिजल्ट, यह आया रिजल्ट। लेकिन क्या इसे सिग्निफिकेंट टर्म, सिग्निफिकेंट नंबर्स के टर्म्स में यहाँ तक छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूल है। कहाँ तक लिखना पड़ेगा? डेसिमल के एक प्लेस तक, डेसिमल के, डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो जिसमें कम डिजिट होते हैं वहाँ तक अपन रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा बच्चों इधर, हम उसको क्या लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा 84. यहाँ तक लिखना है हमें, डेसिमल के एक डिजिट तक। तो ये 6 है, अच्छा जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, तो 5 हो तो हमें देखना पड़ता है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों, जहाँ तक लिखना है उस डिजिट को देखते हैं, ये क्या है, इवन है ना, इवन है, तो 84.6 आएगा, दिस इज द रिजल्ट। ओके, और देखते हैं एग्जांपल, और देखते हैं, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। ये बोला मान लो 89.332 1.11 ओके, अब मान लो इसे ऐड करना है, इधर ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इधर डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट में 3 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितने रिजल्ट होने चाहिए बोलो सभी, ओनली 2, राइट। पहले मैं पूरे एडिशन सही सही लिखता हूँ, 90.442 आया, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मतलब यहाँ तक लिखना है हमें, डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो जिसको ड्रॉप कर रहे हो वो 2 है, 5 से कम है, और अगर ये 5 से कम होता है लास्ट वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा है एज इट इज़ लिख दो, इतना, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा इट विल हैव रिजल्ट, इट कंटेन 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 90.44, ठीक है, समझ आई बात। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 3.70 माइनस 2.9132 ओके, और देता हूँ मैं फोर्थ, ये दिया मैंने 8.2087 ml 2.430 ml, ठीक है, हमें ऐड करना है इधर, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया 0.7867 786 और 7, ठीक है बच्चों। तो इधर देखिए, जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इधर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 2 और इधर कितने 4, तो रिजल्ट शुड हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 0.7, यहाँ तक करना है हमको राउंड ऑफ 2 डिजिट तक, तो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 6 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 0.79। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, ऐड करना है 8.2087 ml और 2.430 ml है, इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये आया 10.7287 ml, राइट, इतना आया। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, सॉरी
डेसिमल के बाद 3 डिजिट प्रेजेंट है, इधर डेसिमल के बाद 4 डिजिट प्रेजेंट है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के बाद ओनली 3 डिजिट होने चाहिए, तो 10.72। अब देखो बच्चों, ये 5 से बड़ा है ना, जिसको ड्रॉप कर रहे हो आप, हटा रहे हो जिसको, वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला नंबर जहाँ तक हमें लिखना है उसको 1 से बढ़ा दीजिए, यानी 10.729। ओके बच्चों, समझ आया सभी को? देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िए ज़रा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज मेजर्ड एज 2.205 मीटर, राइट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लो एक्स है, तो ये जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, राइट, और एक्स की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे 2.205, राइट, तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 2.205 इंटू 2.205 स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या ध्यान देते हैं, जो रिजल्ट आए उसमें उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हों जितने ओरिजिनल नंबर में रहे हों, बट कम वाला, बट इसमें तो दोनों बराबर हैं, इधर भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि रिजल्ट विल कंटेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रिजल्ट आएगा 4.862025। ओके, कैलकुलेटर से करके देख लेना, नहीं तो आराम से बैठ के ये सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब रिजल्ट शुड कंटेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, कहाँ तक, यानी 4, 2 तक चाहिए, तो 2 के बाद ड्रॉप किसको करना है, 0 को, और इसके बाद वालों को, तो 0 को देखिए, जब 0 तो 5 से कम है, यानी ये 5 से कम है 0, तो इसके पहले वाला जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 2 तक एज इट इज़ रहेगा, ये 2 ही रहेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 4.862। ओके, दिस इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड यूनिट इज मीटर स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्या बोला है, लेंथ ऑफ वायर इज मेजर्ड अप टू मेजर्ड टू बी 21.7 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज मेजर्ड 0.46 mm, फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वायर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ये वायर दिया गया है, वायर सिलेंड्रिकल है बच्चों, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, तो हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 21.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो रेडियस है बच्चों, रेडियस दिया गया है 0.46 mm, mm को भी सेंटीमीटर में बदल दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.46 को अपन लिख दें 0.46 इंटू 10^-1 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बच्चों, क्योंकि 10 mm क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm क्या होगा बच्चों 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 mm को क्या लिख सकते हैं 10^-1 सेंटीमीटर, इसीलिए 10^-1 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसको हटा देते हैं, राइट, चलिए अब अपन क्या करें बच्चों, अपन को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.142, पाई की वैल्यू आर इज 0.46 इंटू 10^-1 का स्क्वायर, ठीक है, और 21.7, ये सब सेंटीमीटर में थे, तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, राइट, तो बच्चों ये सब नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 0.01442718 सेंटीमीटर क्यूब। अजीब सा आ गया ना, डरने की बात नहीं है, देखो इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करें बच्चों, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 3, इधर कितने, ये तो भाई इनफाइनाइट थे, इस पे ध्यान ही मत दो, ठीक है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर देखो 0.46, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर इनफाइनाइट, तो इसको देखते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम वाले को, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमें यहाँ तक चाहिए 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ तक होंगे, 0 तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है, लीडिंग 0, ठीक है, तो यहाँ तक रोकना है,
तो बच्चों ये जो डिजिट है जिसको हमें ड्रॉप करना है, ये क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले वाले नंबर को, यानी 0.14 ही रहेगा। दिस इज़ द रिज़ल्ट, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, 2.14 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड डेंसिटी अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना है 2.14 और वॉल्यूम कितना है बच्चों, दिया गया है 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.7835 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बताओ जिन दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2.14 और 1.2 दोनों को डिवाइड किया, दोनों में से कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, ओनली 2, यानी 1.7 तक। ठीक है, हमें 1.7 तक रोकना है, लेकिन जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, और अगर ये जो नंबर ड्रॉप करते हैं अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो इसके पहले वाला नंबर एज इट इज़ होता है, यानी ये हो जाएगा 1.7, सॉरी 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो 1 से बढ़ जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा बच्चों, 1.8, 7 से बढ़कर 8 हो जाएगा, राइट। चलिए समझ आया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, आप अभी सॉल्व करके भेजिए मुझे जल्दी से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। ठीक है, अभी के अभी भेजिए। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एडिशन का, 1.4578.4.2 एडिशन करना है। ओके, सेकेंड 89.332 1.1 इधर भी ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.70 2.9133 माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करना है इसको। फोर्थ 8.2087 ml 2.430 ml और 0.09 ml इनको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.225.3 + 0.102 + 125.13 कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 2.37 + 33.5472 + 1.0 कितना होगा। 7 2.37 + 33.5472 + 1 कितना होगा। नंबर 8 53.312 - 53.3 कितना होगा। 9, चलो 8 तक ही करो। ठीक है, और अब मैं इसका कल टेस्ट लूँगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसका फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा आप जिसने नहीं देखा है, और ये रहा सेकंड लेक्चर। ठीक है, अपन और इनोवेटिव वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे बच्चों, जिससे आप बोर ना हो बिल्कुल भी, आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, ये लेक्चर देखिए अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन को समझिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन इसको और इनोवेटिव बनाएंगे, इसमें वीडियो भी दिखेगा, मैं भी दिखूँगा, और ये लेक्चर भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, ठीक बच्चों, चलो इसको सॉल्व करो और भेजो, और इसको पढ़ने के बाद मुझे सब बता देना। कल मैं इसका टेस्ट रखूँगा संडे को, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, राइट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ लिया होगा सभी ने। कल सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट का ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो सॉल्व कर लेना है ना।